जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टीचर यही हुआ बेहोश हो गए थे और फिर तभी उनकी अचानक से आंख खुलती है और वो बर्फीले तूफान में थे। वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें छोटा यही हुआ दिखता है जिसे कई सारे बच्चे बुली कर रहे थे क्योंकि उसके स्पिरिचुअल पॉइंट्स बहुत कम है। सभी लोग उसे बहुत बुरा भला बोल रहे हैं और एक बच्चा तो उसको लात मारकर पहाड़ी से नीचे भी गिरा देता है। बड़ा यही हुआ सोचता है कि 20 साल पहले मैंने अपना कावर्ड बिहेवियर छोड़ दिया था और मुझे 20 साल पहले की यादें दिख रही है। यहाँ जितनी ज्यादा ठंड है वो मेरे आंसुओं को दर्शा रही है। बड़ा यही हुआ छोटा यही हुआ के पास आता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। छोटा यही हुआ कहता है कि मेरे टीचर अब मुझे और अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे इननेट स्पिरिचुअल पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम है और मुझे रखना उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ सोर्सेज है, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं? बड़ा यही हुआ कुछ सोचकर कहता है कि टैलेंट हर किसी की जर्नी की शुरुआत होती है। कई लोग सूरज जैसी चमक लेकर पैदा होते हैं और कई इस बर्फीले तूफान में ही बन कर रह जाते हैं, लेकिन कई लोग जो इसमें से फंस गए हैं वो खड़े होते हैं और एक साफ जगह ढूंढते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। बड़ा यही हुआ अपनी एब्सोल्यूट डिफेंस दिखाता है और कहता है कि ये स्किल मैंने बनाई है। छोटा यही हुआ इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कई सारी बुक्स पढ़ रखी थी लेकिन इतनी ज्यादा पावर शीफ डिफेंस उसे कभी नहीं देखी। बड़ा युवा फिर से कहता है कि क्या तुम मेरे संग बर्फीले तूफान से निकलकर हरी भरी वादियों में चलना चाहोगे? वो कहता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की थी लेकिन बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बड़ा ये हुआ समझता है कि हमें बड़ा सोचने की जरूरत है, ये विंड और ये सर्दी तुम्हें कंफ्यूज कर रही है और तुम सही से नहीं सोच पा रहे हो। वो उसे इसी तरह और भी मोटिवेट करता है और फिर वो हाँ कह देता है और तभी बड़ा ये हुआ आसपास की जगह को चेंज कर देता है और वो जगह हरी भरी खुशनुमा वादी में बदल जाती है। फाइनली छोटा ये हुआ खुश हो जाता है, वो आसपास की चीजों को सराहने लगता है और उसका सारा डिप्रेशन मानो गायब हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास रखता हूँ और फिर ये कहते हुए गायब होने लगता है। असल में छोटा ये हुआ बड़े ही युवा की पास्ट के ट्रॉमा को दिखा रहा है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन अब ये हुआ ने फाइनली उस पर विजय हासिल कर ली है और उसे स्टेप आउट कर लिया है। फाइनली ये हुआ की अवेकनिंग पूरी हो जाती है और ये हुआ को स्पिरिचुअल विंग्स मिल जाते हैं। टीचर ये हुआ उन दोनों का धन्यवाद बोलता है क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा के लिए डार्कनेस से बाहर निकाल दिया है। हाउ चैन उसके पंख देखकर काफी खुश होता है और चीफ पलाडिन कहते हैं कि फाइनली बटरफ्लाई कोकून से बाहर आ गई, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर विंग्स में कन्वर्ट हो गई और तुम अब सिक्स ऑर्डर के ग्लोइंग नाइट हो। टीचर ये हुआ नीचे आकर पहले हाउ चैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चीफ पलाडिन से कुछ देर के लिए बातें करनी है, इसमें तुम घर जाओ और रेस्ट करो। हाउ चैन अचानक से ये सुनकर हैरान सा है लेकिन वो अब जब चीफ पलाडिन की तरफ देखता है तो उसे कहते हैं कि तुम अब घर जाओ और रेस्ट करो। हाउ चैन फिर दोनों की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। चीफ पलाडिन से कहते हैं कि अब टैलेंट्स कभी तुम्हारी जर्नी की बेड़िया नहीं बनेगी, अब तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है? ये हुआ कहते हैं कि डेमन हंट कॉम्पिटिशन के बाद वो हाउ चैन को पढ़ाना छोड़ देगा। ये सुनकर हैरानी से भरे हुए चीफ पलाडिन कहते हैं कि क्या तुमने सच में इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है? हाउ चैन तुम्हारा सबसे अच्छा डिसाइपल है, जिस पर वो कहते हैं कि सिर्फ हाउ चैन मेरा एक डिसाइपल है लेकिन वो सन ऑफ लाइट है, उसके भाग्य में मानवता को आगे बढ़ाने का जिम्मा है और मेरे पास सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं उसे सिखा सकूं। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब लोगों को नाइट की ट्रेनिंग दूंगा और कमजोरों को भी ताकतवर बनाऊंगा ताकि वो भी निराश ना होकर अपने नाइट बनने के सफर को पूरा करके डीमंस को मारने में टेंपल्स की मदद कर सके। जो लोग साहसी है केवल टैलेंट के रास्ते में आकर अड़चन ना बने, मैं अब ये सुनिश्चित करूंगा। अब एक आशा की किरण भी इस दुनिया में उजाला लाने की ताकत रखेगी और किसी भी इंसान को अब डीमन से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब हाउ चैन आगे रहकर मेरी बनाई हुई आर्मी को लीड करे, इसके लिए मुझे हाउ चैन से दूर जाना होगा। फिर वहीं दूसरी तरफ हम हाउ चैन को देखते हैं जो कायर के सैंग डीमन हंट टॉप 16 कंपटीशन में है और अब होस्ट टॉप 16 कंपटीशन को बिगिन कर देती है। अब सभी कंटेस्टेंट्स नीचे आ जाते हैं। अब असैसिन एंड टेंपल के फ्रेंड्स ने इन सब के लिए एक रिवॉर्ड रखा था जो कि मिरर ऑफ 1000 फेसेस है। अब शैडो असैसिन वहां जाकर एक पोर्टल क्रिएट करता है जिसके अंदर मिरर रखा है जो हर एक कंटेस्टेंट को कुछ ना कुछ देगा। सभी मिरर में पहले जाने पर अपना डाउट जता रहे थे लेकिन लिंजी बिना डर आगे बढ़ती है और पोर्टल के अंदर जाने लगती है। पोर्टल के अंदर वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक मिरर के। वो इस मिरर को देखने लगती है और पहले तो उसे अपनी परछाई दिखती है लेकिन ध्यान से देखने पर वो परछाई हिलने लगती है और उसको डरा देती है और फिर से उसे पता चलता है कि मिरर स्पिरिट है और ये उसी की शैडो बन जाती है जो असली में वो है। लिंजिन मिरर के अंदर बहुत अजीब सी गर्ली बिहेव कर रही थी, इसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है कि क्या मैं सच में ऐसी हूँ। वो फिर कहती है कि मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती, मुझे बस मेरा रिवॉर्ड दो मिरर स्पिरिट। फिर उसे एक स्किल कार्ड देती है और ये सीक्रेट स्किल ये और उसकी रोज मिलकर परफॉर्म कर सकती है। लिंजिन इसे पाकर खुश हो जाती है लेकिन मिरर स्पिरिट बहुत ज्यादा अजीब है और वो गर्ली बिहेव करके उसे फ्लाइंग किस भी कर देती है जिससे इरिटेट होकर वो बाहर आ जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी लड़की हूँ। वो फिर बाकी सभी को बताती है कि मिरर स्पिरिट तुम्हें रिवॉर्ड देगी। अभी एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट्स अंदर जाते हैं और मिरर स्पिरिट उन्हें कुछ ना कुछ देती है। अब हाउ चैन अंदर जाता है और वहाँ मिरर स्पिरिट में वो खुद को देखता है जो शीशे में अपने आप को निहार रहा था कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि हाउ चैन को अपने हैंडसम होने पर गर्व है और वो काफी सेल्फ कॉन्शियस भी है अपनी ब्यूटी को लेकर। मिरर स्पिरिट सोचने लगती है कि मैं इसे क्या रिवॉर्ड दूँ क्योंकि इसके पास सीक्रेट स्किल्स की कमी नहीं है और इसके पास काफी ताकतवर स्वॉर्ड्स भी हैं। वो फिर उसे होली स्पिरिट देता है जो कि टोटल गार्जियन सेट है, इसमें काफी ताकतवर आर्मर और विंग्स मौजूद हैं।
हैं, ये एंटी विंड, एंटी फायर, एंटी लाइटनिंग है और ये फिफ्थ ऑर्डर स्किल्स के टॉप डिफेंस के अंदर शामिल है। लेकिन हाउशन को कायर के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो मना कर देता है और उसे कहता है कि मुझे तुम होली स्पिरिट प्रोटेक्शन दे दो। हाउशन उसे लेकर बाहर जाती है और अब कायर अंदर जाती है इसे लेने के लिए और मिरर स्पिरिट असैसिन नंबर एक के आगे झुककर उसे ग्रीट करता है और उसके सामने सभी ट्रेजर्स रख देता है और कहता है कि जो तुम्हें लेना है वो तुम ले लो। कायर कहती है कि इन सभी को वापस रखो। मिरर स्पिरिट समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो फुल गार्जियन सेट जो उसने हाउचेन को दिखाया था वो उसे देती है और कहती है कि तुम्हें यही चाहिए ना, ताकि तुम हाउचेन को इसे दे सको। कायर खुश होकर उसे ले लेती है और बाहर चली जाती है और हाउचेन के आगे आती है। हाउचेन और कायर एक संग बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए, और वो दोनों ही समझ जाते हैं कि उन्होंने ये दूसरे के लिए लिया है। फिर वहाँ तभी एक नाइट आता है जो कायर के हाथ में गार्डन सेट देखता है और पूछता है कि क्या असैसिनेट इसे पहन सकती है। वहाँ लिनजिन भी थी और वो समझ जाती है कि कायर ने क्यों लिया है ये, और वो कहती है कि बच्चों को बड़ों के बीच नहीं पढ़ना चाहिए और वो इन दोनों को प्राइवेट स्पेस दे देती है। वही ग्रैंडपा यांग इन दोनों को देख रहे हैं और वो इन दोनों की रिलेशनशिप से खुश हैं। अब होस्ट मैचेस को शुरू करता है और सभी से लकी ड्रॉ निकलवाता है और पहला नंबर हाउचेन और लिनजिन का आपस में लड़ने का आता है और ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।